असलम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं तो ये वाले मैं ईद के क्लिप्स इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता चल जाए कि ये वाले मंदी एंड क्रीम फ्रूट सलाद की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ईद के दिन बनाई थी तो स्टे ट्यून्ड और ये हो गया है नेक्स्ट डे जब हम पहुँच गए थे काबुल फार्म्स ये देखिए हम आ गए थे काबुल फार्म्स और अभी जस्ट लेवन ओ क्लाक को ही शॉप शॉप हम यहाँ पर है एंड आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे ही क्यू में लोग ठहरे हुए हैं अपने अपने कुर्बानी का मटन लेने के लिए और हमारा नंबर है थर्टी सिक्स तो वन बाय वन सब जने अपने अपने जैसे भी पीसेस चाहिए वो करके दे रहे हैं हमें तो हमें इसके साथ ये देखिए आप कि हमें पाए नहीं मिल रहे हैं और हमें इसके अंदर की बोटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाली है हमें सिर्फ मिलने वाला है कलेजी गुर्दा वो ये अंदर का बस इतना सा पार्ट एंड ब्रेन और फिर इसके पीसेस वो अपने हिसाब से हमें एक मीडियम साइज के करके दे देंगे तो अंदर देख सकते हैं आप ये सारा ही फ्रिज है तो इसमें पीछे लटके हुए हैं देखो आप सारे ही क़ुरबानी का अपना अपना जिसका भी है वो नंबर के हिसाब से वो ला रहे हैं बाहर फिर हमें नंबर बता रहे हैं कि आपका ये नंबर था तो ये देखिए ये हमारा बकरा आ गया है हमारा नंबर तो ये है नंबर थर्टी सिक्स तो इस तरीके से ये हमारे सामने ही निकाल के हमें दे रहे हैं अंदर का इसका आइटम और फिर इसे सारा ही कट करेंगे और फिर हमें देंगे तो ये देखिए हमारे बैग्स बन के रेडी हो गए देख सकते हैं आप नंबर थर्टी सिक्स तो ये वाले सारे मटन के पीसेस आ गए थे हमें तो अभी कनाडा में हर जगह अलग अलग प्राइजेस है किसी के पास है फोर फिफ्टी किसी के पास है फाइव हंड्रेड और किसी के पास है फाइव फिफ्टी तो हम जो लिए हैं वो वाला हम लिए थे बड़ा शीप तो हम आपको इसका अराउंड पड़ा है फाइव हंड्रेड डॉलर विथ कटिंग एंड एवरी थिंगुरबानी का तो देखिए अब इस तरीके से हम अपने बैग्स ले लेंगे सारे ही और फिर मैं घर जाऊंगी इन सारे हिस्से बनाकर जिस जो भी है हमारे खरीबी लोगों में हम दे देंगे अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी तो अभी जो मैं मटन ली हूँ मंदी के लिए वो मैंने लिया है टू के ऑफ लैम्प मीट एंड इसमें मैं डालूंगी वन टेबल वन टी स्पून ऑफ़ सॉल्ट वन टी स्पून ऑफ़ लाल मिर्ची का पाउडर हाफ टी स्पून ऑफ़ टर्मरिक हल्दी पाउडर एंड टू टी स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर हम इसमें डालेंगे फाइव बिग ऑनियन सिर्फ आप ऑनियन को स्टील के और प्याज और लहसुन को आपको छिल्टे के समय ही डाल देना है जस्ट आप उसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि वो ब्लैक चले जाए और इसे लगा के फिर हम सीटी लगा देंगे फाइव स्टीम्स हम लगाएंगे आ, अपने मटन को टेंडर करने के लिए फिर मैं देखिए ये वाला चिकन मैरिनेट कर ले रही हूं क्योंकि मैं चिकन एंड मटन दोनों की मिक्स मंदी बना रही हूं तो मैं चिकन में ऑलरेडी मैं बस थोड़ा सा चिकन ली उसमें डाली हूँ वन टी ऑफ नमक फिर थोड़ी सी मिर्ची हल्दी अदरक लहसन तंदूरी चिकन मसाला और आगे मैं इसमें डालूंगी हमारा मंदी मसाला और मंदी मसाला

चावल तो मैं उसमें एक ग्लास के लिए लूंगी प्रोपोर्शनेट वन एंड अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर तो मेरे को सेवन ग्लास ऑफ राइस के लिए लगेगा टेन ग्लास ऑफ वाटर तो मैं कुकर में उसका हाफ डाल दूंगी जैसे कि मैं फाइव ग्लास ऑफ वाटर कुकर में डाल के चढ़ा दूंगी क्योंकि उसका वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम आगे मैं आपको बताऊंगी बाकी का हाफ ग्लास ऑफ वाटर आप कहाँ पर डालेंगे ठीक है अभी हम अपना होम मेड मंदी मसाला बना लेते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए सारे ही गर्म मसाले ये देखिए ये है शाहजीरा और ये है हमारी दालचीनी लौंग इलायची हमारा जैफल जोतरी ये सारा हम डालेंगे ग्राइंडर में और अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे ये देखिए हम डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे पीस लेंगे और अगर आपके पास पिसा हुआ सौंफ या धनिया ना हो तो आप इसमें डाल के सौंफ और धनिया भी अपना पीस लें तो मैं सॉरी बताना भूल गई थी मैं मेरे मसाले में ऑलरेडी सौंफ एंड धनिया मेरे पास पाउडर रखे हुआ था तो मैं टू टू टी ऑफ सौंफ और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दी हूँ हमारे मंदी मसाले में और फिर हम ये वाला लेंगे ये जो क्रीम कलर का आप आपको दिख रहा है वो है ड्राइड जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं साउंठ का पाउडर तो हम वो भी अलग से ले लेंगे थ्री टी ऑफ सौ का पाउडर और फिर हम हमारा देखें मंदी मसाला एंड सौंठ का पाउडर अपने चिकन में डाल के मैरिनेट कर देंगे और फिर अभी हम बना रहे हैं हमारा क्रीम फ्रूट सलाद तो क्रीम फ्रूट सलाद बनाने के लिए मैं लूंगी हमारा व्हिपिंग क्रीम तो मैं हाफ़ व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर लूंगी तो ये वाला है हमारा 475 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम जिसमें से मैं हाफ पोर्शन यूज कर रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे जब उसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ बोल ऑफ पिसी हुई शुगर ये आप याद रखिए पिसी हुई शुगर ही आपको इसमें ऐड करना है और फिर हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे जैसा ही हमारा एक क्रीमी स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हाफ टिन ऑफ कंडेंस मिल्क मिल्क मेड फिर हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद में फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा वनीला एसेंस थोड़ा सा देखिए मैं इतना सा ही वनीला एसेंस यूज करूँ जस्ट हाफ टी स्पून बस हमें एक फ्लेवर चाहिए ज्यादा मत डालिए तो अकॉर्डिंगली आप इसे डाल सकते हो तो मैं हाफ़ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस ली हूँ फिर अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा थिक क्रीम तो ये थिक क्रीम हम यूज करेंगे इसमें हाफ टिन हाफ टिन ऑफ क्रीम आपके पास अब जो भी अवेलेबल है आप इसे यूज कर सकते हैं देखिए हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिए थे फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा टिन फूड तो मैं वन बोल ऑफ टिन फूड यूज़ करूंगी और बाकी के मैं अपने फ्रेश फूड्स यूज करूंगी तो ये देखिए ये वाला है हमारा फ्रेश एप्पल फ्रेश ग्रेप्स एंड बनाना और आप इसमें बस यही फ्रूट्स इस्तेमाल करिए पोमगरेंट वग़ैरह कुछ भी मत इस्तेमाल करिए वरना वो कड़वा हो जाता है फिर हम इसमें यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिसमें जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं उतना यम लगता है ये वाला तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली अपने ड्राई फ्रूट्स तो जितना लगेगा आप अपने हिसाब से उसमें ऐड करते जाइए तो ये तो मेरा थोड़ा मंदी का भी था उसमें ड्राई फ्रूट्स तो मैं थोड़ा मंदी में डालूंगी और मुझे इसमें जितना लगेगा उस उतना मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो अलहमदिल्ला हमारे कुकर को भी फोर्थ स्टीम्स हो गए हैं तो मैं भी उसकी स्टीम नहीं खोलूंगी मैं उसे वैसे ही रखूंगी ताकि हमारा मटन और अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा तो मीनवाइल मैं आप सबको याद दिला दूं कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे तो देखिए अगर आपको कम लग रहा है कोई चीज़ तो आप इसमें फिर ऐड कर दीजिए तो ये हमारी है ड्राई फ्रूट सारे काजू बादाम किशमिश पिस्ता एंड अखरोट अखरोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बहुत मजे का लगता है हम जितने भी अभी हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए हम उतने इसमें डाल दें और ये क्विक एंड ईजी और इतनी मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और इसे आप एटलीस्ट फोर आवर्स पहले बना दीजिए दावत से ताकि ये अच्छे से चिल सर्व कर सके आप यमी यमी सी हमारी क्रीम फ्रूट सलाद तो इनशाला आप भी ज़रूर ट्राई करेगा तो हमारी अब क्रीम स्लाड बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से अभी हम इसे सारा साइड से क्लीन करेंगे पैक करके मैं इसे फिर रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी और आप बीच में चेक कर लें अगर आपको शुगर थोड़ी कम नज़र आए तो यू कैन ऐड मोर मिल्क मेड ऑन इट और ये अच्छा स्वीटन रहा तो अच्छा लगता है तो यमी सा हमारा और क्रीम फ्रूट सलाड रेडी हो गया है तो चलिए अभी हम हमारा कुकर खोलते हैं एंड ये देखिए हमने अपना कूकर खोल लिया है अभी हम क्या करेंगे इसके सारे पानी को अच्छी तरीके से ड्रेन कर लेंगे तो आपके पास जो भी है बगौना वो आप ले लें और उसमें एक अच्छी सी छन्नी लगा दें और इसे सारा ही फिल्टर कर ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसका पानी चाहिए इसके पानी में जो फ्लेवर आ जाता है मटन का सारा ही जूस छूट जाता है एंड ये ऑनियन का गार्लिक का तो ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मंदी बनाने के लिए तो इस तरह इस तरीके से आप सारा ही ड्रेन कर लीजिए अपने पानी को और फिर ये जो ऑनियन एंड गार्लिक है उस उसको भी आप देखिए पहले आप क्या करें मालूम मटन को अपने हाथ से अलग कर लीजिए सारा ही हल्लू हल्लू से वरना वो सा, सारा टेंडर रहता है तो टूट ना जाए वो देख के आप स्लोली देखिए मैं जिस तरीके से निकाल रही हूँ वैसा आप भी निकाल कर इसे सारा कर लीजिए अलग और उसके बाद में हम ऑनियन अपना गार्लिक नहीं फेंकेंगे हम इसे क्या करेंगे छन्नी में सारा ही मैश कर लेंगे ताकि उसकी प्योरी हमारे नीचे पानी में आ जाए देखिए इस तरीके से सारा आप मैश कर लीजिए फिर ये वाले पानी को हम अलग से रख देंगे और अभी हम मंदी बगाड़ने का कर स्टार्ट करेंगे तो मंदी बगाने के लिए हमें चाहिए सिक्स बिग ऑनियंस और फिर हम बगोना ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं सेवन ग्लास ऑफ रॉइस राइस तो मैं इसमें ऐड करूँगी सिक्स टेबल स्पून ऑफ़ ऑयल और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे चॉप्ड ऑनियन्स ये देखिए और जैसा ही हमारे प्याज अच्छे लाइट ब्राउन कलर की हो जाएंगी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सॉल्ट थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉरी मेरे से स्किप हो गया है क्योंकि आप देख सकते हैं ईद के दिन कितनी जलबाजी का पकवान रहता है तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मंदी मसाला तो आप देखिए इसमें ऐड करिए अच्छे फ़ोर टू फाइव टी स्पून ऑफ़ मंदी मसाला आप इसमें ऐड करिए क्योंकि हम टी सेवन ग्लास ऑफ राइस लिए तो वो हिसाब से फाइव टी स्पून ऑफ़ मंदी मसाला जाएगा एंड ये बाकी का टू टी स्पून ऑफ हमारा सॉल्ट वो सौन्ट का पाउडर जाएगा और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे मैं आगे बताती हूँ किस लिए हम बचा के रखेंगे तो जैसा ही हम थोड़ा इसके भून ले फिर हम इसमें ये वाला पानी ऐड कर देंगे तो ये वाला पानी है हमारा फाइव ग्लास ऑफ वाटर जो मैंने आपको बोला था कि हमें कुकर में डाल के अपना मटन को अच्छे से टेंडर कर लेना है और हम इसमें बाकी के जो हमारे फाइव ग्लास वाटर है क्योंकि हमें लग रहे थे टेन ग्लास ऑफ वाटर तो बाकी के फाइव ग्लास ऑफ वाटर अब हम इसमें ऐड कर देंगे तो देखिए आप मेजर करें और फाइव ग्लास ऑफ वाटर ले लें भगोने में एंड फिर इस तरीके से हम इसमें सारा ही डाल देंगे और फिर हम इसे बॉईल आने के लिए रख देंगे फिर दरमियान में मैं पैन रखूँगी और इसमें हम डालेंगे हमारा असली घी और असली घी में हम अपने मटन को रोस्ट करेंगे इस तरीके से दिखने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा प्रोसेस है मगर यकीन मानिए आप बहुत इजी एंड बहुत क्विक एंड बहुत लजीज बनती तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इन देखिए जितने हमारे पीस आएंगे हम इसे बस लाइट ब्राउन जैसा ही आएगा फिर हम इसे अभी हम ये जैसा ही अपना सारा ही मटन इसमें सेटल कर दिए हैं अभी हम इस पर ऐड करेंगे हमारा मंदी मसाला जो हमने रख दिया था साइड में देखिए इस तरीके से आप हर पीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिए अपना मंदी मसाला फिर हम इसे फ्लिप करेंगे फ्लिप करे बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूसरा मसाला एंड दूसरा मसाला हमारा क्या है मैं आपको वो आगे बताती हूँ देखिए हमारा सारा ही मटन फ्लिप हो गया इसी तरीके से हमारे पास जितना भी मटन होगा हम रोस्ट कर लेंगे तो बेचारे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे थे तो देखिए ये हमारा दूसरा मसाला है हमारा तंदूरी चिकन मसाला एंड लाल मिर्ची का पाउडर अपन इसे मिक्स कर लीजिए टू स्पून ऑफ तंदूरी चिकन मसाला एंड वन टी ऑफ हमारे लाल मिर्ची हम फिर इसमें जैसा ही स्प्रिंकल करेंगे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमें इससे फ्लिप करना है और निकाल लेना है वरना हमारा मसाला जल जाएगा तो बस आप लोगों को बताने के लिए फिर मैं एक बार वो वाली क्लिप ऐड करी हूँ मसालों की तो देखिए इस तरीके से फिर हमारा ये सेकेंड मैं फिर से रेडी कर लूँगी फिर हमारा पानी अच्छे से पक गया है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा राइस एंड सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंगली डालिए आपको कितना लगता है मैं इसमें ऐड करी हूँ फोर टीस्पून ऑफ सॉल्ट राइस डाले बाद तो आप वो चक चक के डालिए सॉल्ट क्योंकि कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है तो जब लास्ट चावल अपने दम पे रहते दम पे आने से पहले जो हल्का हल्का पकना स्टार्ट होते हैं आप वो दरमियान में आप सॉल्ट चेक करें तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा सॉल्ट का तो ये देखिए हम सारा ही राइस डाल दिए हैं तो इन मेरा राइस अभी बन जाएगा और इसमें आप डालेंगे अब ये टाइम पे वन टीस्पून ऑफ काली मिर्ची का पाउडर फिर मैं भी अपना चिकन सेम वे में रोस्ट करूँगी जैसा कि मैंने मटन किया था सारा ही चिकन डाल दी हूँ मैं फिर हमारा सेम मंदी का मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे फिर हम इसे फ्लिप करेंगे और हम सेम हमारा वो दूसरा वाला मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो इस तरीके से अपना चिकन भी रेडी हो जाएगा तो अभी जैसा ही मेरा चिकन हो गया मैं अपना कोयला रख दी थी ये वाला चारकोल अच्छा बर्न होने के लिए और ये देखिए मेरी मंदी अच्छे से हो गई है तो लाइट इसमें लास्ट जैसा दम का पोशन रहता वो टाइम पे हम सारा ही हमारा चिकन एंड मटन इस पे डाल देंगे और इसे हम दम पे रख देंगे उसके बाद में तो हमारा जैसा ही चारकोल अच्छे से बन जाएगा हम इसमें धुनकार दे देंगे धुएं की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका असल फ्लेवर ही है हमारे कोयले की धुनकार तो देखिए इस तरीके से मैं अपना फॉइल से एक कप बना ली थी उसमें मैंने चार रख दिया और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ऑफ असली घी और फिफ्टीन मिनट्स के लिए हम हम इसे दम पर रख देंगे और फिर हमें ऊपर से गार्निश करने के लिए चाहिए सारे ही ड्राई फ्रूट जो मैं असली घी में तल रही हूँ लाइट और फिर लाइट सा घी डाल के आप इसे बस तल लें फिर हमें चाहिए थोड़ी सी हमारी ऑनियन्स वो भी हम तल के निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारी मंडी रेडी हो चुकी है ये प्याज एंड ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से गार्निश करने के लिए तले हैं तो बस यही था आज का हमारा एक व्लॉग थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्री मिलेंगे इंशाल्लाह नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज